करणी सेना भारत का हुआ संगठन विस्तार। जनपद कन्नौज के सिकंदरपुर में करणी सेना भारत का संगठन विस्तार कार्यक्रम प्रथम चरण सफल हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष कन्नौज हिमांशु प्रताप सिंह व जिला प्रभारी कन्नौज शेखर सिंह गौर की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। लगातार क्षेत्र में भ्रमण के पश्चात समर्पित और मेहनती सदस्यों को जोड़ा, ऐसे ही आगे और भी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। जी आपका परिचय। मैं ठाकुर हिमांशु प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष करणी सेना भारत कन्नौज। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम ये था, आज हमारे भाई, बड़े भाई श्री शेखर सिंह गौर जी, जिला प्रभारी कन्नौज, इनको नियुक्ति मिली थी माननीय बीरू भैया के द्वारा, और इन्होंने अपने कुछ दिनों में पिछले अपनी कार्यकारिणी को विस्तार पूर्वक चलाने के लिए कुछ भाइयों को अपने साथ जोड़ा था, उनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया और सम्मानित किया गया। उसी विषय में आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे। जी, क्या संगठन का महत्व है, मतलब क्या कर सकता है ये संगठन कन्नौज में? ये संगठन सब कुछ कर सकता है। ये संगठन किसी असहाय को सहायता दे सकता है, किसी गरीब परिवार को मदद दे सकता है, किसी भूखे को रोटी दे सकता है। ये एक क्षत्रियों का संगठन है। और नहीं नहीं, ये केवल क्षत्रिय समाज के लिए है या बाकी जातियों के लिए? ये समाज के लिए नहीं है, ये सामाजिक संगठन है, सबके लिए काम करेगा। ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा, ये सबके लिए काम करेगा। हमारे लिए सब एक समान ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ये संगठन सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए काम करेगा। हम लोग सबके लिए, क्षत्रिय समाज सदियों से इतिहास उठा के देख लो, दूसरों के लिए ही काम किया है, कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं आज तक। अगर किया होता तो आज हमारी ये संख्या नहीं होती, मात्र 4% 5% हम लोग पूरे भारत में रह गए। कितने लोग आज इकट्ठा हुए थे? आज हम लोग कम से कम यहाँ 50-60 लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसी विषय में हुए हैं। तो कुछ भाइयों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। पूरे कन्नौज जिलों में टीम बनी है आपकी? पूरे कन्नौज में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हमारी टीम है। अच्छा,